सारे बेटे आसपास बैठ गए। बूढ़े बाप ने तिलावत खत्म की, कुरान मजीद को बंद किया, आंखों से लगाया, चूमा और एहतराम से सरहाने रख दिया। एक नजर सब पर डाली और कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ, इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो मैं अपनी जायदाद तुम लोगों में तकसीम कर दूंगा। सबको अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बहनों को मजबूर करो कि वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं, वरना। वरना क्या होगा बाबा जान? बूढ़े बाप के चेहरे पर कई तल्ख लहरें आईं और गुजर गईं, खुश्क होंठों पर जबान फेर कर कहने लगे, वरना तुम्हारे बाप की सारी जायदाद और जमीन गैरों में चली जाएगी। छोटा बेटा सवाल करने लगा और कहा, अब्बा जान, बेटी को जायदाद से हक देने का हुक्म तो खुदा का है, क्या खुदा को ये इल्म न था कि बेटी को हिस्सा देने से जमीन गैरों में चली जाएगी? कमरे में गोया खामोशी सी छा गई। किसी के कुछ बोलने से पहले वो बेटा फिर बोला, बेटी को जमीन देते हुए आपको लगा कि जमीन गैरों में चली जाएगी, मगर दामाद को बेटी देते हुए आपने क्यों ना सोचा कि बेटी भी तो गैरों में चली जाएगी? सोचने की बात है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक बेटा तो शरीयत को समझता है। तुमने तो मेरी तरबियत का हक अदा कर दिया, शाबाश शाबाश।